हेलो मेरे चटोरे इंडियंस, नवीन आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल में। गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी में अक्सर हम कुछ ठंडा बनाकर पीते हैं और कभी कभी हमारा मन करता है कि कुछ अलग सा ही ठंडा बना के पिया जाए। तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं कोल्ड कॉफ़ी की। ये रेसिपी बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही ये जल्दी और झटपट बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी बनाना। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इंस्टेंट कॉफ़ी बनाएंगे आज हम दो तरह की। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम पहली टाइप की इंस्टेंट कॉफ़ी बनाना। तो उसके लिए मैंने लिया है 300 ml ठंडा दूध। उसमें मैं डाल रहा हूँ कॉफ़ी, एक पाउच मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी का लिया था, उसको डाल देते हैं इसमें। साथ ही इसमें मैं डाल रहा हूँ चीनी, दो बड़े चम्मच चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको चीनी ज़्यादा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, कम डाल खाना पसंद है तो कम चीनी डाल दीजिएगा। अब ऊपर से हम लगा देते हैं इसका शेकर रिंग और इसको ढक देते हैं शेकर के ढक्कन से, और इसको अब हमने लगातार 2 मिनट तक हिलाना है। तो ऐसे लगभग 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं मुझे शेक करते हुए। अब मैं इसको रख देता हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि चीनी को घुलने में थोड़ा सा लगेगा टाइम। तो 2 मिनट इसको रेस्ट करने देंगे, उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा सा शेक करेंगे। 2 मिनट रेस्ट करने के बाद अब हमारी चीनी थोड़ी इसके अंदर घुल चुकी होगी। दूध क्योंकि हमारा ठंडा है तो चीनी के घुलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसको अब हम थोड़ी देर और शेक कर लेते हैं ताकि हमारा अच्छी तरह से जो चीनी है वो इसमें अच्छी तरह से हमारी कॉफ़ी में डिजॉल्व हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको खोल के दिखाते हैं हम अब आपको शेकर को। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी कॉफ़ी तैयार हुई है और कितनी बढ़िया इसके ऊपर ऐसे बबल तो आ गए हैं, कितनी बढ़िया इसमें झाग आई है। तो अब हम इसको सर्व करने के लिए डाल देते हैं सर्विंग ग्लास में। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी झाग आई है हमारी कोल्ड कॉफ़ी के ऊपर। अब थोड़ा सा इसको मैं गार्निश कर रहा हूँ चोको पाउडर के साथ। दूसरी तरह की जो मैं अब कॉफी बनाने जा रहा हूं वो है आइसक्रीम वाली कॉफी, यानी कि कोल्ड आइसक्रीम कॉफी। उसके लिए लिया है मैंने 300 ml बिल्कुल चिल्ड दूध, फुल क्रीम दूध इसमें हम यूज करेंगे। इंस्टेंट कॉफी का एक पाउच लिया है मैंने, डाल देते हैं इसमें। 2 टेबलस्पून में इसमें डाल रहा हूं चीनी। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स डाल के अब सबसे पहले हमने इसको ब्लेंड करना है। आप ब्लेंडर में भी ये बना सकते हैं, ब्लेंडर का यूज करके भी, या आप इसको मिक्सर में भी बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको हम पहले ब्लेंड करेंगे 1 से 2 मिनट ताकि हमारी चीनी और कॉफी अच्छी तरह से हमारे दूध में मिक्स हो जाए। तो लगभग 2 मिनट ब्लेंड करने के बाद अब हम अपना ब्लेंडर कर देते हैं बंद, क्योंकि हमारी चीनी इसके अंदर घुल चुकी होगी अच्छी तरह से और कॉफी भी। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ 1 स्कूप आइसक्रीम। ये मैंने ली है वेनिला आइसक्रीम और ये आइसक्रीम भी मैंने अपने घर पे खुद ही बनाई थी। इसका मैं लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डोंट वरी। अब इसको हमने ज्यादा देर तक ब्लेंड नहीं करना है, अब ब्लेंडर अपना कर देते हैं बंद। तो ये लीजिए हमारी आइसक्रीम वाली कोल्ड कॉफी हो गई है तैयार। अब हम इसको भी सर्व करते हैं अपनी दूसरी वाली कॉफी के साथ। तो अब हम अपनी आइसक्रीम वाली कॉफी भी इसमें सर्विंग ग्लास में सर्व करते हैं। और अब ये थोड़ा आइसक्रीम का स्कूप भी मैं अपने इसके ऊपर डाल रहा हूं और थोड़ा सा इसको मैं अब गार्निश कर रहा हूं अपनी कॉफी को टूटी फ्रूटी के साथ। तो ये होगी हमारी सिंपल कोल्ड कॉफी शेकर में, और ये हमारी कोल्ड कॉफी है जो हमने ब्लेंडर से बनाई थी, आइसक्रीम कोल्ड कॉफी। तो इस ठंडी ठंडी कॉफ़ी को देखकर मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं तो इसको पीने लगा हूँ। और अब आप भी अपनी रेसिपी को घर पे बनाइए और अपनी गर्मी को दूर भगाइए, और फिर मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा कि आपने ये घर पे रेसिपी बनाई कैसी बनी और आपको ये कोल्ड कॉफ़ी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि YouTube पे जब भी मैं अपनी कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलरली आता रहे। मेरी इस कॉफ़ी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, नियर्स एंड डियर्स के साथ, और हाँ साथ में दिए गए लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।